स्वागत so, है आपका फिर से आपने इस नए वीडियो में जो है ओ एस इंस्टॉलेशन के बारे में इसमें हम देखेंगे एम एस विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को किसी भी कंप्यूटर में किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है तो शुरू करते हैं जनरल स्टेप्स एंड गाइडलाइंस टू इंस्टॉल विंडोज ऑन कंप्यूटर सो द स्टेप्स बिलो आर फॉर recent versions ऑफ विंडोज इंक्लूडिंग विंडोज 98, Windows विंडोज Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, एक्सपी विंडोज विस्टा विंडोज and Windows 10. एंड तो ये कुछ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके कुछ versions हैं ये जो लेटेस्ट अभी जो चल रहा है विंडोज 10 है इसमें दिखाया है जो लेटेस्ट और उससे पहले के पुराने वर्जनस हैं सारे जो दिए गए तो इन सभी में से किसी भी विंडोज को आपको कंप्यूटर सिस्टम में अगर इंस्टॉल करना है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं सबसे पहले देख लेते हैं रीजंस कि हमें विंडोज किन कारणों से इंस्टॉल करनी होती है ऑपरेटिंग तो सिस्टम तो आपको पता ही है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो कंप्यूटर को ऑपरेट ही नहीं किया जा सकता है वही सब कुछ मैनेज करता है तो इसके कुछ रीजन्स हो सकते हैं जिसमें कि आपको री करना पड़ रहा है वो विंडोज का या फिर फ्रेश इंस्टॉलेशन करना पड़ रहा हो कुछ रीजन्स क्या हो सकते हैं रिप्लेसिंग द हार्ड ड्राइव अगर आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई या क्रैश हो गई है, आप या आप कोई बड़ी हार्ड डिस्क बड़ी साइज की हार्ड डिस्क लगा रहे हो रिप्लेस कर रहे हो तो उसकी वजह से आपको विंडोज़ को दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर्ड रहता है हार्ड डिस्क में स्टोर्ड रहता है उसके बाद रिप्लेसिंग द मदर बोर्ड मदर बोर्ड जो आपका अंदर बोर्ड होता है कंप्यूटर में जिसपे ये सी पी यू और रैम वगैरह सब उस पर जो फेब्रिकेटेड रहते हैं तो उस बोर्ड को अगर रिप्लेस कर दिया गया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोबारा इंस्टॉल करना पड़ सकता है क्योंकि वो सारी कॉन्फ़िगरेशन रखता है उसकी मदरबोर्ड की उसके अकॉर्डिंग इंस्टॉल होता है उसके बाद है विंडोज़ गेट करप्टेड अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्री इंस्टॉल्ड है पहले से इंस्टॉल्ड है आपके कंप्यूटर में वो करप्ट हो गया हो किसी वजह से उसकी कुछ फाइल्स जो हैं उनमें कुछ एरर्स आ गई हों तो उसकी वजह से अब ऑपरेटिंग सिस्टम या तो वर्क नहीं कर रहा है वर्क कर रहा है तो वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए आपको नया जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ सकता है या उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपेयर करना पड़ सकता है उसके अलावा अपग्रेड टू ए न्यूअर वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ तो जैसे विंडोज 8 है आपके कंप्यूटर में आप विंडोज़ 10 आ गई है मार्केट में तो आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल करना चाहते हो कंप्यूटर में तो वो न्यूअर वर्जन के लिए अपग्रेड करने में भी एक रीज़न हो सकता है ओ इंस्टॉलेशन का तो रीज़न्स के बाद प्री इंस्टॉलेशन स्टेप्स की बात करते हैं प्री इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या है कि आपके को ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है कंप्यूटर में उससे पहले कुछ स्टेप्स जो हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी क्या करनी पड़ेगी जनरली चेक हार्डवेयर कंपेटबलिटी यानी कि हार्डवेयर जो है वो आपके उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटेबल है या नहीं है बिफोर इंस्टॉलिंग एंड अपग्रेडिंग विंडोज ऑन योर कंप्यूटर चेक द हार्डवेयर इन द कंप्यूटर टू मेक श्योर इट्स इस विद दैट वर्जन ऑफ विंडोज माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स ए विंडोज कंपेटिबल प्रोडक्ट्स लिस्ट फॉर चेकिंग इफ़ द हार्डवेयर इन योर कंप्यूटर इज विद द कम्पेटिबल वर्जन ऑफ विंडोज तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है ये विंडोज़ का बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है तो वो एक लिस्ट प्रोवाइड करता है विंडोज़ कम्पेटिबल प्रोडक्ट्स लिस्ट ये, ये हार्डवेयर जो है उस लिस्ट में अवेलेबल जो है वो सपोर्ट करते हैं या कंपेटल होते हैं विंडोज़ के लिए तो विंडोज़ उस कंप्यूटर में इंस्टॉल की जा सकती है हर कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं की जा सकती है तो ये देखना पड़ता है सबसे पहले जनरली जो पीसी हम यूज़ करते हैं उन सभी पे विंडोज़ इंस्टॉल हो जाती है जो नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल हैं उसके अलावा आपको यह देखना होता है कि कौन सा वर्जन जैसे कि विंडोज 64 भी आता है 64 बिट और विंडोज़ 32 भी आता है तो अब आपका आर्किटेक्चर या कंप्यूटर का हार्डवेयर 32 बिट बिट पे पर बनाए तो उसको आप 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते हो अगर आपका हार्डवेयर सिक्सटी बिट कम्पेटिबल है तो आप उस उसमें विंडोज सिक्सटी फोर भी बिट, बिट की थर्टी टू बिट की भी कोई सी भी इंस्टॉल कर सकते हो क्योंकि हार्डवेयर जो है वो अगर ज्यादा कैपेबल है तो उसमें विंडोज बिट भी चल जाएगा तो इस प्रकार हार्डवेयर कैंपेबिलिटी चेक करनी होती है उसके बाद डीवीडी थम ड्राइव तो आपके पास जेन्यून विंडो की सी डी डीबी या आजकल पेन ड्राइव से भी इंस्टॉल करते हैं तो यूएस बी थम ड्राइव पेन ड्राइव जो है वो जेन्यून होनी चाहिए उसमें विंडोज जो है वो किसी कहीं से पायरेटेड या कॉपी या चोरी की भी नहीं होनी चाहिए तो ये होने के बाद जैसे आजकल जो है जब आप नया कंप्यूटर खरीदते हो या लैपटॉप ख़रीदते हो तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड आती हैं अगर आपके पास प्री इंस्टॉल्ड विंडो है जिसको हम कह रहे हैं ओ ई एम कंप्यूटर तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से उसमें इंस्टॉल्ड है उसके साथ तो उसकी प्रोडक्ट की जो है वो उसके कंप्यूटर पे कहीं कही ना कहीं मिल जाएगी आपको चिपकाई भी उसकी टैग उसका ये प्रोडक्ट की क्या होती है जब आप विंडोज इंस्टॉल कर लेते हो तो उसमें कुछ की डालनी पड़ती है उसके उसको बोलते हैं प्रोडक्ट की वो की जो है वो पर्टिकुलर उस विंडो के लिए बनी हुई होती हैं जो सही की डालने पर ही वो सही से ऑपरेट करेगा उसको बाद में माइक्रोसॉफ्ट वेरीफाई भी करता है ऑनलाइन तो ये जेन्यन विंडो को चेक करने का कोई एक तरीका है तो जेन्यन विंडो आपके पास होनी चाहिए और हार्डवेयर कंपर्टेबल होना चाहिए ये पूरी इंस्टॉलेशन स्टेप्स है उसके बाद हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन की विंडोज़ को इंस्टॉल किस तरह से करेंगे सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने से पहले एक और स्टेप है चेंज द कंप्यूटर्स बूट ऑर्डर हो सकता है आपके कंप्यूटर का जो बूट ऑर्डर बूट ऑर्डर का मतलब कि कंप्यूटर कौन सी डिवाइस से स्टार्ट होगा कौन सी डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले सर्च करेगा वो एक सीक्वेंस होती है और वो कहाँ होती है वो आपके बायोस में होती है BIOS क्या होता है वो हम देखेंगे तो जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो कई बार किसी 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 में नहीं आता है ज़्यादातर कंप्यूटर्स में आता है कि प्रेस एफ वन टू एंटर बायोस या एंटर बायोस सेटअप या प्रेस एफ वन या प्रेस एफ टू कुछ की का नाम लिखा होता है और कहता है कि टू एंटर द बायोस सेटअप तो उसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने से पहले रैम में लोड होने से पहले जो बायो सेटअप है उसमें हम एंटर करते हैं सेटअप कीज एफ वन और F2 या डिलीट इनमें से कोई जो भी हमें अपने कंप्यूटर के अनुसार जो उसमें आता है लिखा हुआ सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टअप स्क्रीन में यानी कि जैसे ही पावर ऑन करते हैं उस स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है वो सेटअप की प्रेस करने से हम किस में एंटर करेंगे बायो सेटअप में ओपन बायो सेटअप 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 कीज आर प्रेस्ड आफ्टर द कंप्यूटर इज स्टार्टेड बाई प्रेसिंग पावर बटन एज द कंप्यूटर इज बूटिंग जैसे ही पावर बटन दबाया स्टार्ट हुआ और सेटअप की दबा के हम उसमें बायो सेटअप में चले गए चेंज द कंप्यूटर्स बूट ऑर्डर उसमें जाके हमें क्या करना है कि वहाँ पे एक ऑप्शन होता है बूट ऑर्डर यानी कि कंप्यूटर कौन सी डिवाइस से ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करेगा या बूटिंग कौन सी डिवाइस से होगी तो उसमें आपको सी डी या जो भी आपका यू जिसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर डाल देना है सेट सी डी डी और डिस्क ड्राइव एज द फर्स्ट बूट ड्राइव इफ़ यू आर ट्राइंग टू बूट फ्रॉम इस डिस्क और सेट द फर्स्ट बूट ड्राइव कर रहे हो तो पेव एस बी को फर्स्ट पे सेट कर दो अगर सी डी से करे तो सी डी को फर्स्ट पे सेट कर दो फर्स्ट बूटिंग डिवाइस सेव करो एंड एग्जिट हो जाओ बायुस से तो ये बूट ऑर्डर में हमने सबसे पहले जिस डिस्क से हम इंस्टॉल करने वाले उस डिस्क को बूट ऑर्डर में फर्स्ट पे सेट कर दिया है उसके बाद विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस किस तरह से होती है प्लेस द विंडोज डिस्क इन सी डी डी वी डी ड्राइव और यू एस बी थम ड्राइव इन टू द कंप्यूटर तो सबसे पहले जो सी डी या डी बी डी या यू एस बी पेन ड्राइव है उसको हम कंप्यूटर में डालते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं अगर पहले से चल रहा है तो रिस्टार्ट करेंगे एट द कंप्यूटर स्टार्टअप इट शुड डिटेक्ट द इंस्टॉलेशन डिस्क जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होगा वो इंस्टॉलेशन डिस्क को डिटेक्ट कर लेगा और एक मैसेज शो करेगा क्या करेगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम सी डी या फिर यू एस बी है तो प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम यूएसबी तो जैसे ही आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे तो वो बूटिंग कहां से स्टार्ट कर देगा उस सीडी से या यूएसबी ड्राइव से जिसमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सेटअप है वहां वहां से इंस्टॉल स्टार्ट कर कर देगा बूटिंग आफ्टर द विंडोज इंस्टॉलेशन बिगिन हो गई वहां पे जैसे ही आपने प्रेस कर दी कोई की देर आर सेवरल प्रॉम्स दैट यू नीड टू आंसर तो आपसे कई सवाल पूछे जाते हैं या कई जानकारियां ली जाती हैं उसके बाद

उसके बाद जब वैन आस्ड विच पार्टीशन टू इंस्टॉल विंडोज फिर उसके बाद हार्ड डिस्क में जो पार्टीशन होते हैं ड्राइव्स होती हैं सी डी ई तो उनमें से कौन से आप विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो वो पूछा जाता है तो उसमें से आप मेन पार्टीशन जो यूजली सी ड्राइव होता है उसमें आप जो है विंडो इंस्टॉल करते हो या अनअलोकेटेड पार्टीशन है तो उसको क्रिएट करते हो अपने आप उस अनअलोकेटेड पार्टीशन को नया ड्राइव लेटर मिल जाता है और उसमें विंडो इंस्टॉल हो जाती है अगर उसमें पहले से कोई ड्राइव लेटर नहीं है तो जनरली सी ड्राइव में हम विंडो इंस्टॉल करते हैं और अगर अपग्रेड कर रहे हैं तो पहले से जिस ड्राइव में जिस हार्ड डिस्क ड्राइव में विंडो है उसी को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद क्या है फिफ्थ स्टेप है यू मे बी आस्कड इफ यू वॉन्ट टू इरेज ऑल द कंटेंट ऑन द हार्ड डिस्क जैसे आप उस हार्ड डिस्क ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें से पहले से जो डेटा है उसको डिलीट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो वो पूछा जाएगा और देन इंस्टॉल विंडोज उसमें विंडो इंस्टॉल का बटन दबाते ही विंडो इंस्टॉलेशन प्रारंभ हो जाएगी मतलब फाइल्स कॉपी होना शुरू हो जाएंगी उसमें वी रिकमेंड यू चूज दिस ऑप्शन एज इट ऑल्सो फॉर्मेट द हार्ड ड्राइव टू अलाउ विटिंग सिस्टम टू भी इंस्टॉल तो जैसे आप इंस्टॉल विंडोज सेलेक्ट करेंगे वो फॉर्मेटिंग भी करेगा उस हार्ड डिस्क ड्राइव यानी रेज कर देगा साराटे कॉन्टेंट और यही ऑप्शन ज्यादातर सेलेक्ट करते हैं द कंप्यूटर मे नीड टू री स्टार्ट सेवरल टाइम्स कंप्यूटर कई बार रीस्टार्ट होता है इस दौरान ड्यूरिंग द विडो इंस्टॉलेशन प्रोसेस द रिस्टार्ट आर नॉर्मल तो रिस्टार्ट होता रहता है कंप्यूटर वो नॉर्मल है

और उसके अलावा लैंग्वेज पूछी जाती है और आपका अकाउंट जिससे आप यूज़र अकाउंट बना रहे हो उसका नाम क्या होगा विंडो का यूज़र अकाउंट वो सब पूछा जाएगा लास्ट में फाइनल इंस्टॉलेशन में के फाइनल स्टेप में तो वो सब ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद विंडो इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी और जब कंप्यूटर दोबारा से लॉगिन के लिए पूछेगा तो आपने जो भी लॉगिन के यूजर नेम और पासवर्ड सेट किए हैं वो डालकर हम विंडो में ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर लॉगिन कर लेंगे फाइनल विंडो एंड कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन। आफ्टर विंडो इज इंस्टॉल्ड ऑन कंप्यूटर यू नीड टू इंस्टॉल ड्राइवर्स एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स। फॉर द हार्डवेयर इन कंप्यूटर तो कंप्यूटर के ड्राइवर्स जो हैं वो भी डालने पड़ते हैं उसके बाद हम ड्राइवर्स लेटेस्ट वर्जन जो विंडोज़ के हैं ज़्यादातर तो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूडेड होते हैं नहीं होते हैं तो क, जो आपका हार्डवेयर का जो कंपनी uh, है वो प्रोवाइड करती है उसके ड्राइवर्स भी जो उनकी वेबसाइट से मिल सकते हैं या हार्डवेयर के साथ ही कोई उनकी सी डी या डी वी डी आई होती है उनके थ्रू हम उनको इंस्टॉल करते हैं हार्डवेयर uh, के ड्राइवर्स को सो so, ये कुछ स्टेप्स हैं विंडोज को इंस्टॉल करने की हालांकि एक प्रैक्टिकल करने से ही आपको नॉलेज होगा बट इन स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आप अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो ये और अच्छे से आप कर पाएंगे थैंक यू